पेनल्टी फीका, अच्छा मौका और खूबसूरत सेव अहमद आलम का, सब ओवर के का बहुत अच्छा मौका मिला था। सब में कामयाबी नहीं हुई, दिलीप सर की अच्छी फोटो नहीं, भारत की खूबसूरत नहीं। शिबा जूनियर, और ये पेनल्टी कौन है? पाकिस्तान की टीम ने ये पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। एक्शन रिप्ले देखें, ये शहबाज जूनियर टैकलिंग और पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान के हक में। ये इमरान यूसुफ, शहबाज सीनियर, थ्रू पास शहबाज जूनियर की तरफ, बहुत खूबसूरत पास दिया है, अच्छा कम्बिनेशन अभी तक काफी पीछे रह गए थे, बहुत अच्छा कम्बिनेशन। ये शैकीन, ये एक्शन रिप्ले, कामरान ने जब पास दिया है उसको साथ उसको फॉलो करना चाहिए था, अगर कामरान मौजूद होते तो बहुत खूबसूरत गोल होता ये। तेज हिट और अच्छा सेव अहमद आलम का, बहुत खूबसूरत ट्राई मुकेश की और उतना ही खूबसूरत सेव अहमद आलम का। एक्शन रिप्ले देखे थे, ये अहमद आलम कपास शबाज की तरफ, कपास आगे बढ़े, फाउल हुआ, यह पेनल्टी कॉर्नर होगा। डिसीजन अंपायर का, क्योंकि ये जो गिरा है वो इंटेंशनली गिरा है, वरना शबाज और कामरान दोनों में से कोई भी गोल कर सकता, मगर क्योंकि डी के बाहर था इसलिए पेनल्टी कॉर्नर। पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट देखते हैं कुछ की गोल के अंदर, पाकिस्तान दो। सोहेल अब्बास ने कोशिश की, सोहेल अब्बास जो कि सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर के लिए आते हैं। जी जी हॉलैंड से है, बलजीत की हिट उछली और गेंद गोल के अंदर, अंपायर ने कहा कि ये गोल है, दिले का गोल भारत की तरफ से। अभी एक्शन रिप्ले में दोबारा देखते हैं, भारत ने एक गोल उतार लिया है, धनराज पिल्ले ने एक गोल किया, भारतीय कप्तान फ्री हिट आई और ये पिल्ले की कोशिश। अच्छा गोल, धनराज के पास आई और उसने गेम गोल में, शबाज, शबाज का अच्छा पास, शबाज, शबाज के हिट, अच्छा सेव, बहुत अच्छी ट्राई शहबाज की, बहुत अच्छी ट्राई। बिल्कुल हमारे सामने एक खिलाड़ी को डॉच किया, क्रॉस लगाया, गेंद उछली, ये पेनल्टी कॉर्नर होगा, अंपायर ने कहा कि गेंद। समीर दाद, अच्छा मौका है भारत के लिए, अंपायर ने कहा कि ये पेनल्टी स्ट्रोक है और ये ठीक है क्योंकि जो पुश किया गया दीदा था निस्ता खर्च नहीं है, लेकिन अपना पैटर्न जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी डाइव लगाई है अहमद आलम ने, इंग्लैंड की शायद मिल्टन कीन में हुआ था। शहबाज सीनियर, एक खिलाड़ी को दौड़ दिया, दूसरे को दौड़ दिया, तीसरे को दौड़ दिया, शहबाज और ये पेनल्टी कॉर्नर, बाकी खिलाड़ी के पैर पे गेंद लगी जिसके नतीजे में ले चुके ये अच्छे निकले, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम को चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला। ये भारत के खिलाड़ी रहीम खान गेंद को फेंकेंगे, गेंद फेंकी सोहेल अब्बास, सही तौर पर गेंद नहीं फेंकी थी, फिर मामूल रोहन का पास पिल्ले के पास, आज पेनल्टी कॉर्नर, नवा पेनल्टी कॉर्नर, फिर मामूल रोहन का पास पिल्ले के पास, आज पेनल्टी कॉर्नर, नवा पेनल्टी कॉर्नर। एक दर्जन एक्शन रिप्ले देखें, ये अली रजा ने काफी कवर किया हुआ था उनको, नवा पेनल्टी, गेंद फेंकी, शहबाज जूनियर सीनियर थ्रू पास रहीम खान के पास
और ये पेनल्टी कॉर्नर, जवाबी हमला की। यहां ज्यादा जोर लगा दिया तो अच्छा डॉट थ्रू पास रहीम खान के पास, लेकिन रहीम खान अपना तवाजुन बरकरार नहीं, भारत की तरफ से वाहिद गोल इन्होंने किया। शहबाज थ्रू पास कामरान अशरफ के पास, लेफ्ट साइड सही तौर पर भारत की तरफ से वाहिद गोल इन्होंने किया। शहबाज थ्रू पास कामरान अशरफ के पास, लेफ्ट साइड सही तौर पर कामरान लेफ्ट फ्लिक से गेंद को फेंकना चाहते थे। शहबाज जूनियर, इमरान यूसुफ, शहबाज सीनियर का खूबसूरत टैकलिंग, हिट लगाए भारत का, और इसके साथ साथ खेल का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान ने भारत की टीम को दूसरे टेस्ट में एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। इस तरह उसने 8 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2 मैच जीत लिए हैं। पाकिस्तान में 4 मैच होने हैं और 4 मैच भारत में होने हैं, तो इस तरह पाकिस्तान की टीम जो है उसको भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की बढ़त हासिल हो गई है।